Hey everyone, welcome to my channel, Manmay Singh. आज हम लोग बात करेंगे सबसेट्स के बारे में, उसके बाद देखेंगे सम रिजल्ट्स ऑफ सबसेट्स। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरी सेट्स की पहली और दूसरी वीडियो को जरूर देखें, उसकी सजेशंस यहाँ आपको ऊपर दिखेंगी और इनसे रिलेटेड जो भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसेट्स। सबसेट जानने के लिए सबसे पहले हमको तो दो सेट होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसके डिफिनेशन में ही बदला गया है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। यहाँ पर क्या है कि एक सेट हमने माना ए और दूसरा सेट हमने माना बी। उसके बाद का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट, यहाँ पर खास बात रखिएगा ध्यान में कि एवरी एलिमेंट किसका, सेट ए का। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए का सारा एलिमेंट जो होगा वो सेट बी का एलिमेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने माना है, अपने मन से माना है कि यहाँ पर दो सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, तो क्या होगा, तो इसमें कौन किसका सबसेट हुआ, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो हम लोग बोलेंगे कि जो मेरा ए है वो सबसेट है बी का। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए किसका सारा एलिमेंट था, ए का सारा एलिमेंट बी में था। तो जिसका सारा एलिमेंट बी में होगा, मतलब कि जिस सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में होगा, वैसे सेट को हम लोग बोलेंगे सबसेट। किसका सबसेट, जिसमें वो सारा एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर ए का सारा एलिमेंट किस में है, बी में है, इसलिए ए जो है वो मेरा सबसेट है बी का। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ये और क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए में हमने क्या माना कि कितने एलिमेंट हैं, तीन एलिमेंट हैं, 1, 2, 3। और दूसरा सेट माना हमने बी, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सेट ए में जितना भी एलिमेंट्स है, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 2 और 3, ये तीनों एलिमेंट्स सेट बी में है। यानी कि सेट ए एक ऐसा सेट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्यों, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट्स किस में आया, सेट बी में आया। अब इसी का कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जस्ट सपोज कर रहे हैं हम लोग सेट ले रहे हैं, इस बार वापस से हम लोग दो सेट ले रहे हैं। पहला सेट ले रहे हैं नेचुरल नंबर का और जो दूसरा सेट है वो इंटीजर का सेट ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग सेट लिए, पहला नेचुरल नंबर का सेट लिए, तो नेचुरल नंबर में आप क्या देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ऑल काउंटिंग नंबर्स आते हैं। दूसरा सेट हमने लिया जेड इंटीजर का, तो इंटीजर का कौन कौन सा सेट आएगा, सारे काउंटिंग नंबर्स। तो देखिए सारे काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं। उसके बाद फिर निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, तो सारे निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स हैं एंड जीरो, तो ये तो वेल नोन है। तो जेड क्या है, मेरा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और एन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे इंटीजर के सेट में भी होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा एन इज अ सबसेट ऑफ जेड, क्योंकि एन का सारा एलिमेंट्स जेड में आ रहा है। अब बात करते हैं इसको सिंबल्स के थ्रू कैसे लिखेंगे, क्योंकि हर बार ये बड़ा इतना लंबा लेंदी स्टेटमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को लिखने के लिए कुछ सिंबल यूज़ किया गया, तो आइए उस सिंबल को देखते हैं। तो जो सिंबल यूज़ किया गया इस चीज़ को लिखने के लिए, लगभग आपको सी जैसा दिख रहा होगा। तो ये जो सिंबल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इज अ सबसेट ऑफ, जो पहले लिखा होता है वो सबसेट होता है किसका, दूसरे वाले का। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि n है जो कि सबसेट है मेरा इंटीजर का, इन द सेम वे n इज अ सबसेट ऑफ z, इसको क्या पढ़ेंगे, n इज अ सबसेट ऑफ z, और बीच में ये सिंबल डालेंगे। इसी तरीके से अगर हमको लिखना होगा कि सेट a इज अ सबसेट ऑफ सेट b, तो उसको लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे a इज अ सबसेट ऑफ सेट b। तो अभी हमने देखा सबसेट क्या होता है और उसको सिंबल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कोई सी चीज़ को अगर हमको लिखना होगा कि वो सबसेट नहीं है, कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी 1 एंड 2, बी सेट बी में, सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी एक्स वाई 1, 2, 3। तो सेट ए का सारा एलिमेंट देखिए, ए बी 1, 2, a b b 1, तो यहाँ 1 है और 2 तो यहाँ 2 है। तो यानी कि सेट ए में जितना एलिमेंट्स है वो सारा का सारा किस में है, सेट बी में है। तो यहाँ तो ये चीज़ तो क्लियर है कि जो सेट ए है वो सबसेट होगा सेट बी का।
अब आइए सेट डी के बारे में देखते हैं। सेट डी में क्या है, पी एक्स थ्री फोर। तो यहाँ गौर कीजिएगा, पी डी में जो एलिमेंट है एक्स वो तो सेट बी में है, थ्री ये भी सेट बी में है, लेकिन पी और फोर इसका सारा एवरी एलिमेंट, स्टार्टिंग का डेफिनेशन याद कीजिए, वहाँ पे मैंने बताया एवरी एलिमेंट, तो इसका एवरी एलिमेंट सेट बी में नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ये मेरा बताने का मकसद यही था कि ये होता है सिंबल इज अ सबसेट ऑफ, और ये होता है सिंबल इज नॉट अ सबसेट ऑफ। तो सबसेट्स को किस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ्स में यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसका मीनिंग आता है उसके एलिमेंट्स के बारे में, तो उसको देख लीजिए वो उसको किस तरीके से बात करेंगे। अगर मेरा दिया हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है, यानी कि ए में जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सारा का सारा एलिमेंट्स किस में होगा, सेट बी में होगा। उसके बाद क्या बोला कि जो एक्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, यानी एक एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में है। और अभी हम देखें सबसेट्स का डेफिनेशन में ही होता है कि ए का सारा एलिमेंट्स बी में होगा, तो एक्स ए में है और ए का सारा बी में है, सो एक्स विल ऑल्सो बी इन बी। तो इसका मतलब एक्स मेरा बी में भी होगा। तो इससे हमको ये पता चला इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक एलिमेंट है जो कि ए में है, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन एक्स विल ऑल्सो बी इन बी। वही चीज़ है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, ये पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एक टॉपिक है प्रॉपर सबसेट्स। तो जो प्रॉपर सबसेट है ये एक ऐसा टर्म है, कभी कभी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि ये होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो ये देखते हैं, प्रॉपर सबसेट्स को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेट लिया है, सेट ए। सेट ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इन बिटवीन 5 to 10। यानी कि ये एक ऐसा सेट है, ऐसा नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 5 और 10 के बीच में बिलोंग करता है, यानी कि जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 6, 7, 8 and 9। सेट बी क्या है, सेट बी के एलिमेंट्स तो यहाँ क्लियर दिख रहे हैं, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, यहाँ से तो डायरेक्ट दिख रहा है कि जो सेट ए है वो सबसेट है सेट बी का। अब आते हैं डी के पास। तो सेट डी क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी एक इंटीजर का सेट है। तो वो कैसा इंटीजर है, बिटवीन 5 and 11। तो 5 और 11 के बीच का इंटीजर है। तो 5 और 11 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 6, 7, 8, 9 and 10। गौर से देखिए, सेट बी भी आपका वही है, 6, 7, 8, 9 and 10। तो यहाँ पर आपको पता है जब दो सेट्स इक्वल होते हैं तो उसको भी हम लोग एक दूसरे का सबसेट बोलते हैं। डैट इज यहाँ पर आप लिख सकते हैं D इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जो सेट A है वो भी मेरा B का सबसेट है, और जो सेट D है वो भी मेरा B का सबसेट है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो A है वो B के बराबर नहीं है, लेकिन जो D है वो B के बराबर है। जो सेट D है वही सेट B है। तो प्रॉपर सबसेट्स वैसे सबसेट्स को बोलते हैं जो कि किसी सेट का सबसेट तो हो लेकिन वो उस सेट के बराबर नहीं हो। सो जो ए होगा वो होगा मेरा प्रॉपर सबसेट, लेकिन डी को हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। यही था डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट्स का। सबसेट्स में आगे बढ़ते हैं। तो क्या है अब, सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। अब सबसेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, आइए उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो जो पहला रिजल्ट है वो क्या बोलता है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्सेल्फ, यानी कि कोई भी सेट होगा वो अपने आप का ही सबसेट होगा। इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, जैसे कि अगर हम बात करें 6 इज डिविजिबल बाय इट्सेल्फ, हर एक 6 अपने आप से डिविजिबल है, 6 है, 7 से डिविजिबल है। इन द सेम वे अगर कोई भी सेट है तो वो अपने आप का ही सबसेट होता है। एग्जाम्पल देख लें, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 and 4। तो अगर हम यहाँ पर एक और सेट लिख रहे हैं जो कि सेट ए ही को लिख रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3 and 4, तो जो सेट ए है वो एक ही सेट है, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर ए को हम दो बार लिखेंगे तो दोनों टाइम्स में तो सेम ही एलिमेंट है। तो ए में कितना एलिमेंट होगा, 1, 2, 3, 4, जो भी एलिमेंट्स है, लेकिन ए जो है वो तो ए का सबसेट ही है ना, यानी कि कोई भी सेट जो होगा वो अपने आप का सबसेट होगा। जो मेरा सेकंड रिजल्ट है वो क्या बोलता है, द एम्प्टी सेट।
अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी, सेट्स की जो सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया है, उसमें मैंने बताया है एम्प्टी सेट्स के बारे में। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। क्यों? तो जो अगर हम लोग एम्प्टी सेट को लिखेंगे, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? कोई भी नहीं है। अगर मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, तो यहाँ पर होगा जो फाई है वो सबसेट होगा सेट ए का, क्योंकि सेट फाई क्या है? एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। अगर आपको इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसको मान के चलिए कि यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसका इनविजिबल है, तो वो इनविजिबल एलिमेंट यहाँ पर भी तो है। तो यानी कि इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आया ना इनविजिबल, मान के चलिए इनविजिबल, जो कि इनविजिबल इसमें है, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है। तो इस तरीके से आप रफ एंड टफ समझ सकते हैं कि जो फाई है वो मेरा ए का सबसेट है। बट ये ऑलवेज याद रखिएगा कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। जो मेरा थर्ड रिजल्ट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो क्या बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी फाइनाइट सेट का कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले याद करेंगे उसके कार्डिनल नंबर को, जितने उसके कार्डिनल नंबर होंगे 2 पावर उतना डाल देंगे। यानी कि अगर इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर अगर कार्डिनल नंबर का बात कर रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितने आ गए? 3। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा? 2 पावर एन, एन की जगह क्या है मेरा? 3। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 8। जैसे कि किसी में x आ गया, तो वो भी एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट सिर्फ x है, तो वो भी एक सबसेट है। y आ गया, एक्स वाई आया, वाई जेड आया, तो इस तरीके से कितने पॉसिबल हैं? 8 सबसेट्स पॉसिबल हैं सेट ए के। तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें ये हमको पता चलता है किसी भी फाइनाइट सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये था मेरे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी बची बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें हमारा होगा यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, और सबसेट का जो इंटरवल के फॉर्म में किस तरीके से हम लोग किसी सबसेट्स को डिनोट करते हैं, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंटरवल में होता क्या है। वो चीज़ पर ध्यान देने का बात थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को ऑलवेज यूज़ होगा जब हम लोग आगे रिलेशंस और फंक्शंस पढ़ेंगे और वहाँ पर डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। तो वहाँ पर हमको इस इंटरवल को बहुत ध्यान से देखना होगा कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को मेरे मिस ना करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बची बातें हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।